हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टूडेंट फ्रेंड ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्लास सिक्स चैप्टर नाइन के आंसर क्वेश्चंस देखेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली टिक द करेक्ट ऑप्शन देखते हैं हम। व्हाट इज द हैबिटेट ऑफ अ पोलर बियर? किसी पोलर बियर का हैबिटेट क्या होता है? तो नॉर्थ पोल रीजन इज द हैबिटेट ऑफ अ पोलर बियर। सेकेंड इज व्हाट इज द हैबिटेट ऑफ द शार्क? किसी शार्क का हैबिटेट क्या होता है? तो ओशियंस आर द हैबिटेट ऑफ शार्क्स। शार्क के हैबिटेट होते हैं ओशियन, यानी बड़े बड़े समुद्र। विच ऑफ दीज इज नॉट एन बायोटिक कॉम्पोनेंट्स? तो यहाँ आंसर रहेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपके ऑप्शंस में से जो ऑप्शन है ये है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स नहीं होते। विच ऑफ दीज प्लांट आर एडेप्टेड टू लिव इन आर डेजर्ट? डेजर्ट में रहने के लिए कौन सा प्लांट अडॉप्टेड है? इसका आंसर है कैक्टस। कैक्टस जो है ये डेजर्ट में बड़ी आसानी से रह सकता है। 10. व्हाट आर प्लांट्स? प्लांट्स क्या होते हैं? तो सारे ऑटोट्रॉप्स प्लांट्स कहलाते हैं, ठीक है। देन व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ आंट टुवर्ड सुगर कॉल्ड? इट कॉल्ड रिस्पॉन्स। आंट्स का शक्कर की तरफ मूव करना ये उनका रिस्पॉन्स कहलाता है। वो सुगर की मीठी खुशबू को सूंघकर उसके लिए रिस्पॉन्सिव वे में उसकी तरफ बढ़ना शुरू करती हैं, ठीक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंट हैबिटेट सपोर्ट डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ। यस ट्रू, ये बात सही है। अलग अलग हैबिटेट में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। द बायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ अ रीजन इंक्लूड बोथ एनिमल एंड प्लांट। यस, किसी रीजन के बायोटिक कंपोनेंट्स में सारे जानवर और सारे पेड़ पौधे आते हैं, तो ये भी ट्रू है। द फिल्टर लाइक बीक्स ऑफ डक हेल्प देम स्विम? नो, उनकी बीक्स यानी चोंच उन्हें तैरने में मदद नहीं करती। एनिमल्स लिव इन द माउंटेन हैविंग। रॉन्ग है, जो एनिमल्स माउंटेन्स पर हेड सेल्स प्रॉपर क्वान्टिटीज में पाए जाते हैं। मैंग्रोव प्रोटेक्ट कोस्टल एरिया सुनामीज। ट्रू, मैंग्रोव ट्रीज सुनामीज को रोकने में मदद करती हैं कोस्टल एरियाज में। ओके, देन चलिए हम लोग वन सेंटेंस क्वेश्चंस पर मूव करते हैं। व्हाट इज अ हैबिटेट? हैबिटेट क्या कहलाता है? तो द नेचुरल होम ऑफ अ लिविंग थिंग इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट, विच प्रोवाइड द राइट काइंड ऑफ एनवायरमेंट, फूड, वाटर एंड प्लेस फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म टू लिव कम्फर्टेबली। हैबिटेट एक ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म अच्छे से रह सकें, उन्हें खाने पीने की या किसी और ज़रूरत की कमी ना पड़े, उस जगह को हैबिटेट कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट नेम द बायोटिक एंड एबायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ अ हैबिटेट? तो किसी हैबिटेट के बायोटिक कॉम्पोनेंट वहाँ के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी जीव सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे। और जितने एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं सन, सॉयल, रॉक, एयर एंड वाटर। थर्ड इज नेम द अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट्स के अबायोटिक कंपोनेंट के नाम बताइए। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाएंगे हमारे सनलाइट, रॉक, सॉयल, एयर, वाटर एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ अ हैबिटेट। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर कॉल्ड? पानी में उगने वाले प्लांट्स को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है पानी में उगने वाले प्लांटों को हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। ऐसे प्लांट्स जो पानी में उगते हैं। व्हाई डज लोटस प्लांट हैव एयर स्पेस इन देयर स्टीम एंड लीव्स? लोटस प्लांट हैव स्पेस बिकॉज इट हेल्प देम स्टैंड इरेक्ट और स्टे अफ्लोट। उसके पत्तियों में और तने में इस गैप इसलिए होता है ताकि वो सीधा खड़ा रहे और बड़ी आसानी से फ्लोट कर सके, ठीक है। देन चलिए हम लोग चलते हैं ब्रीफ क्वेश्चंस की ओर। हमारा फर्स्ट ब्रीफ क्वेश्चन है लिस्ट द अडेप्टेशन डेट हेल्प अ लाइन लिव इन ग्रासलैंड। किसी लाइन को ग्रासलैंड में रहने के लिए किस प्रकार का अडेप्टेशन हेल्प करता है? तो लाइन एक कार्निवोरस एनिमल है जो ग्रासलैंड्स में पाया जाता है। इसके दांत बहुत ताकतवर होते हैं, इसके पिछले पैर बहुत ताकतवर होते हैं, साथ ही साथ इसकी स्ट्रॉन्ग शार्प टीथ एंड शार्प आईसाइड भी होती है, यानी एक
किसी भी दूर रखे चीज़ को बड़ी आसानी से देख सकता है और इन्हीं फीचर्स की मदद से कोई भी शेर किसी भी ग्रासलैंड में शिकार कर पाता है। डिफरेंट बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स होते हैं डिफरेंट बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स आर ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड। प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं और ऐसे ऑर्गेनिज्म में आते हैं ग्रीन प्लांट्स। वहीं हेटरोट्रॉप्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट से या अदर एनिमल से अपने न्यूट्रिएंट्स या फूड आइटम्स को लेते हैं और इनके एग्जांपल होते हैं सारे एनिमल्स जो हेटरोट्रॉप्स कहलाते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, ऑल लिविंग थिंग रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, एक्सप्लेन एन एग्जाम्पल। अ लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। एनी थिंग डेट कॉज अ रिएक्शन इन अ लिविंग थिंग इज कॉल्ड स्टिमुलस। कोई भी वो एक्टिविटी या कोई भी वो कारण जिस वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिएक्शन स्टार्ट हो जाए उसको स्टिमुलस कहते हैं। एग्जाम्पल, शुगर आंट को अट्रैक्ट करती है। शुगर शक्कर चीटियों को अट्रैक्ट करती है। द स्मेल ऑफ द शुगर इन द केस इज अ स्टिमुलस। वेयर इज द मूवमेंट ऑफ द आंट टुवर्ड द शुगर इज द रिस्पॉन्स। इस केस में शुगर की जो स्मेल है, मीठी मीठी खुशबू है, वो एक तरीके का स्टिम्यूलस है और जो आंट्स उसकी तरफ बढ़ रही हैं ये उनका रिस्पॉन्स है, यानी ये उनकी प्रतिक्रिया है कि वो शुगर खाना चाहती हैं। क्लियर? देन चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे ई टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन इन 4 to 5 लाइंस। फर्स्ट है, एक्सप्लेन हाउ अ पोलर रीजन पोलर बियर इज अडेप्ट टू लिव इन आर्कटिक। तो कोई पोलर बियर आर्कटिक में कैसे रह सकता है, तो इसको अडेप्टेशन समझाने हैं हमें। पोलर बियर की बॉडी पे थिक फर होता है जो पोलर बियर को आर्कटिक में रहने में मदद करता है। ये उनकी बॉडी को आइसोलेटेड यानी गर्म रखता है। इनकी बॉडी का कलर वाइट होता है जिस वजह से ये हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते, रिलीज कर देते हैं। ठीक है, सॉरी, ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, साथ ही साथ हीट एब्जॉर्ब करते हैं। और इनके फर का ये वाइट कलर इन्हें बर्फ में छिपने के लिए और अपने शिकारियों से बचने के लिए मदद करता है। इनके पंजे मॉडिफाई होते हैं ताकि ये मछलियों को पकड़ सकें। ठीक है, एंड ये -30 डिग्री सेल्सियस तक जिंदा रह सकते हैं। ये बहुत अच्छे स्विमर होते हैं और ये 10 किलोमीटर दूर से आने वाली किसी भी स्मेल को बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं और पता लगा सकते हैं किस चीज़ की स्मेल है। यानी अगर कोई मछली या ईल एक पोलर बियर से 10 किलोमीटर दूर है तो वो पोलर बियर को पता चल जाएगा कि वहाँ पे कोई ईल या फिश है। ओके, देन ये मोर ओवर द पोलर बियर कंजर्व एनर्जी बाय स्लीपिंग। किसी कोई पोलर बियर दिन में 7 से 8 घंटे तक सोता है एंड इस वजह से वो अपनी लार्ज बॉडी के फूड इनटेक को रेगुलेट कर पाता है। और इन्हीं सभी अडेप्टेशन की मदद से कोई पोलर बियर पोलर रीजन में या नॉर्थ पोल में जिंदा रहते हैं। देन हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। राइट द शॉर्ट नोट ऑन प्लांट ग्रोइंग इन माउंटेन रीजन्स। तो द आउटर रीजन ऑफ अ माउंटेन सच एज हिमालय विच आर वार्मर हैव डेंस फॉरेस्ट ऑफ बैम्बूस। हिमालय के बाहरी रीजन्स में बैम्बू के बड़े बड़े जंगल हैं, बैम्बू ओक एंड चेस्टनट ट्रीज के। एज द एटीट्यूड इंक्रीज द टेम्परेचर ड्रॉप। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर घटता जाता है एंड लैंड गेट कवर्ड विथ कॉर्निफीरियस फॉरेस्ट। ऊंचाई पर कॉर्निफीरियस फॉरेस्ट की वजह से मदद से लैंड कवर होता है एंड द ग्रीन ट्रीज सच एज फर पाइन एंड सेडर्स मोस्टली ग्रोन हियर। और यहाँ पर पाइन और सेडर जैसी ट्रियाँ उगती हैं। देन दीज कंडीशन आर अडेप्टेड टू ग्रो इन कोल्ड। द पॉइंटेड एंड ट्राइंगुलर शेप ऑफ द ट्रीज हेल्प देम टू शेड इन हैवी स्नो। इन ट्रियों के अडेप्टेशन होता है कि ये किसी भी ठंडी जगह पर बड़ी आसानी से रह सकती हैं और इनका कोन के जैसा शेप बर्फ को इनकी पत्तियों पर नहीं जमने देता। एट 4000 meters, 4000 meters की ऊंचाई पर वेदर कंडीशन बिकम वेरी कोल्ड एंड सो द प्लांट अडेप्टेड टू एक्सट्रीमली कोल्ड एंड मॉइस्ट कंडीशन ग्रो इन दिस रीजन।
जब हम टोटल 4000 की मीटर की ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो यहाँ पे सिर्फ ऐसे प्लांट और पौधे उगते हैं जो इतनी ठंड में सहने के लिए जिंदा रह सकें, यहाँ वैसे पौधे उगते हैं। ओके देन चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर मैंग्रोव प्लांट अडॉप्ट टू सर्वाइव इन मैंग्रोव स्वैम्प्स, कैसे कोई मैंग्रोव प्लांट मैंग्रोव स्वैम्प्स में जिंदा रहता है। तो मैंग्रोव प्लांट जो मैंग्रोव स्वैम्प्स होते हैं वहाँ पे कई सारे मैंग्रोव प्लांट होते हैं, दे हैव रूट डेट ग्रो अपवर्ड, इनकी रूट जमीन में नीचे ना उगने की बजाय उल्टा उगती हैं जमीन के ऊपर की तरफ, द टिप ऑफ द रूट रिमेन अप ऑफ द सर्फेस ऑफ द वाटर, और इनकी टिप होती है जो रूट की वो हमेशा वाटर सरफेस से ऊपर होती है जिस वजह से ये डायरेक्टली एयर को ब्रीथ कर पाते हैं रूट की मदद से। फोर्थ है, लिस्ट द 3 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स के 3 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। पहला होता है सारे लिविंग थिंग्स लेंथ में और हाइट में बढ़ते हैं, दूसरा होता है वो कुछ हर एज में उनकी ग्रोथ में बदलाव आते हैं, फूड इज़ नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग, खाना हर लिविंग थिंग के लिए ज़रूरी हो चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से खाना बनाते हैं और एनिमल्स उन प्लांट को खाकर या अदर एनिमल को खाकर जिंदा रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं। आपको लगता होगा प्लांट तो नहीं करता मूव, बट प्लांट भी मूव करता है, प्लांट का फेस हमेशा सन की तरफ होता है, जब सन ईस्ट में होता है तो प्लांट का फेस ईस्ट साइड होता है और जब सन वेस्ट में होता है तो प्लांट का फेस वेस्ट साइड में होता है, मतलब प्लांट का फेस ग्रो फेस मूवमेंट करता है, ठीक है। बट इनकी बॉडी का मूवमेंट केवल इनकी अपर बॉडी पार्ट्स से होता है, इनके लोअर बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट नहीं आते। क्लियर, सो इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स के बारे में। सो हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसी अदर चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, आई थिंक आपको वीडियो समझ आई होगी।